स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो उन्हें बोलते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे सपोज़ करो, आयनिक कंपाउंड वो ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, वो भी आयनिक कंपाउंड रहते हैं। क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल की खासियत क्या है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। नॉन मेटल की क्या खासियत है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इट मीन्स ये बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड वन कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। डन। तो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही एलिमेंट्स की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है NaCl, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। या फिर इसके अलावा ले लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, या फिर ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे एलिमेंट जो हैं, ऑल दिस आर आयनिक इन नेचर, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट आता है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में हमने बात करनी है कि ये कैसे होते हैं। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं, ऑल आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो कंपाउंड होते हैं, इनमें एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से इनके अंदर, या ये बोल सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो इट मीन्स जो आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ऑपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रहती है। लेकिन देखने में ये हार्ड लगते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली बात करें तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स भुरभुरे। ओके। अगर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो नमक आपने देखा है, वो क्या है, दिखने में हार्ड है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। आप डली वाला नमक देखते हो तो अगर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दिखने में सॉलिड है, एक्चुअली ब्रिटल है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। हाई क्यों होता है, उसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी की नीड हो रहती है। तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन चुकी है, इसे ब्रेक डाउन करने में हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट आ गया सॉल्युबिलिटी। आपने एक रूल याद रख लेना है, केमिस्ट्री का एक रूल है, वो है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर होता है वो पोलर में ही डिजॉल्व करता है। मीन्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर जो है कोई भी कंपाउंड बोल सकते हैं वो डिजॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर होता है उसके अंदर नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो डिजॉल्व होता है। डन। तो अब पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होने चाहिए। नॉन पोलर का मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। तो अब आयनिक कंपाउंड क्या है? इनके ऊपर चार्ज है तो दे आर पोलर। अगर पोलर हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेंगे, मींस ये पोलर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे। मान लो वाटर है, H2O है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर को देखें तो वाटर के ऊपर भी दो चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपने ये याद रखना है कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है ये इनकी वाटर में ही होती है, पानी में इजली सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि पानी के ऊपर भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। और लाइक डिजॉल्व लाइक रूल के अकॉर्डिंग जो
चार्ज्ड कोई भी हमारे पास सॉल्ट है वो चार्ज्ड सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डन। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है कोई भी सब्सटेंस? अगर उसके अंदर आयंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इट मींस जो आयनिक कंपाउंड उनमें भी तो वही केस होता है। हमने ले लिया बीकर, इसके अंदर हमने लगा दी दो रॉड्स, डन। तो नेक्स्ट हमने ले लिया वाटर, वाटर के अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो ये नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब सॉल्टी वाटर है, अब इसे आगे ज्वाइन कर दिया हमने बैटरी के साथ। एक मिस्टेक होगी मेरे से कि बल्ब के साथ अटैच नहीं किया, ठीक है। तो मान लो, सपोज करो कि ये है बल्ब और यहाँ पे लगी हुई है बैटरी। तो अब होगा क्या कि जब सॉल्टी वाटर डाला हुआ है तो NaCl जो है, जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में स्प्लिट अप हो जाएगा। अब ये वाली प्लेट जो है वो एज ए एनोड एक्ट कर रही है और ये वाली प्लेट जो है वो एज ए कैथोड एक्ट कर रही है। एनोड जो है तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो आएंगे। तो अब इसके ऊपर आएगा हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आएंगे नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज होने की वजह से या चार्ज्ड पार्टिकल की मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब सिमिलरली अगर ग्लूकोज की बात करते हैं, शुगर की बात कर ले, तो शुगर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अगर पानी में आप शुगर को डिजॉल्व कर दो और वो शुगर वाला पानी आप या इसके इन बिटवीन रख दो, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं पैदा हो रहे हैं। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंडर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब नेक्स्ट बात, अब मान लो यही सेटअप आपने ले लिया, आपने इस बीकर में क्या किया, सारे का सारा सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट ले लिया, नमक जो हमारे घर में होता है, फिर हमने इलेक्ट्रोड लगा दी, तो क्या होगा, तो अब कुछ भी नहीं होगा, अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आयंस सॉलिड फॉर्म में कभी भी नहीं बनते। अगर NaCl है, NaCl सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रल है, अब जो नमक हम खाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, जब आप इसे पानी में डिजॉल्व कर दोगे तो इसके ऊपर चार्ज आएंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सॉलिड फॉर्म में नहीं है ये सुटेबल, ये सॉलिड फॉर्म में जो है ये गुड कंडक्टर एक्ट नहीं करता, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में ये गुड कंडक्टर एक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्रीली मूव्ड आयन होते हैं। तो आई होप आपको आयनिक कंपाउंड की ये कुछ प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।